अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दोस्तों पढ़ाई लिखाई से कुछ रिलेटेड कुछ सेंटेंसों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपको हर रोज़ किसी न किसी चीज़ को बताना पड़ता है कि मैंने ये मैसेज पढ़ा, या मैंने कोई चीज़ फिल्म देखी, या मैंने कोई नाटक देखा, या फिर कुछ भी चीज़ देखी, या कोई ड्रामा या कोई फिल्म या फिर जो भी देखने वाली चीज़ होती है, जो कुछ देखा तो उसको किस तरीके से बोलते हैं अरबी में, आज वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एक सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया तो उसी से रिलेटेड दोस्तों आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। तो वीडियो को देखा करें और कहां पर क्या बोला जाता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलो तो फिर करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही दोस्तों रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखता होगा सब्सक्राइब, उस पर करना है क्लिक और चैनल कर देना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी दोस्तों दबा देना। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि लिखना, लिखना यानी राइट, राइट राइट माने राइट मीन्स लिखना, तो अरबी में बोलोगे उक्तुब, उक्तुब यानी राइट, राइट यानी उक्तुब, राइट मीन्स उक्तुब, उक्तुब यानी लिखना, लिखना यानी उक्तुब। वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। तो बोलो हुआ यक्तिबू, यहाँ पे उक्तुब नहीं बोलो, उक्तुब का मतलब होता है मैं लिख रहा हूँ, जब आ लग जाता है तो खुद की तरह बात होती है, आना उक्तुब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे होगा या लगेगा, जब कहीं हुआ करके आता है तो वहाँ पे यह लग जाता है पहले, ठीक है। तो हुआ का मतलब होता है वो, यक्तिबू माने लिख रहा है, हुआ यक्तिबू वो लिख रहा है, यहाँ पे हुआ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, जब यहाँ पे यह आ जाता है तो हुआ का काम खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाए थोड़ा सा अच्छा लगने लगे बोलने में इसलिए लगा दिया है। यहाँ पर लिख दूसरा बोलोगे यक्तिबू तो उसका पूरा मतलब होता है वो लिख रहा है, उक्तुबू मैं लिख रहा हूँ, तक्तुबू तुम लिख रहे हो। तो इस तरीके से अगर हुआ लगा दोगे तब भी सेंटेंस सही है, नहीं लगाओगे तब भी सही है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है हुआ यक्तिबू यानी ही इज राइटिंग, ही मीन्स हुआ, ही मीन्स हुआ, इज राइटिंग मीन्स यक्तिबू, ही इज राइटिंग हुआ यक्तिबू, ही इज राइटिंग हुआ यक्तिबू, ही मीन्स हुआ, बट यू कैन से फुल ही इज राइटिंग, यू कैन से हुआ यक्तिबू, हुआ यक्तिबू, इट इज कंप्लीट सेंटेंस, ही इज राइटिंग हुआ यक्तिबू यानी कि वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग वो लिख रहा है, हुआ यक्तिबू, हुआ का मतलब होता है वो, यक्तिबू मतलब लिख रहा है, तो हुआ यक्तिबू वो लिख रहा है। उसने लिखा, उसने लिखा, उसने लिखा, ही रॉट, ही रॉट, उसने लिखा, तो वो बोलोगे हुआ कताबा, कताबा, कताबा बोलोगे यहाँ पर, ठीक है, हुआ कताबा, हुआ कताबा यानी उसने लिखा। अब यहाँ उक्तुब, उक्तुब हर चीज़ में अगर कोई चीज़ लिखने से रिलेटेड होती है तो हर चीज़ में आप खारजी लोग लगा दें उक्तुब, ये जो कि गलत होता है, उक्तुब का मतलब होता है मैं लिखता हूँ, कताबा का मतलब लिखा, हुआ का मतलब उसने, हुआ कताबा उसने लिखा, ही हुआ मीन्स ही मीन्स हुआ, रॉट मीन्स कताबा, रॉट रॉट मीन्स कताबा, ही रॉट हुआ कताबा, हुआ कताबा यानी हुआ कताबा मीन्स ही रॉट, ही रॉट्स मीन्स हुआ कताबा, हुआ कताबा यानी उसने लिखा, हिंदी ही रोड्स उसने लिखा, उसने दिस इज हिंदी लिखा, हदा दिस इज हिंदी, तो उसने लिखा, तो हुआ कताबा, हुआ मीन्स उसने, कताबा मीन्स लिखा, कताबा मीन्स लिखा, हुआ कताबा उसने लिखा, तो हुआ मीन्स उसने, कताबा माने लिखा, हुआ कताबा उसने लिखा, ही रॉट, ही रॉट उसने लिखा। दोस्तों मैं हर लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश भी मतलब समझ सकते हैं, और जो लोग हिंदी भी सीखना चाहते हैं अगर अरबी इंग्लिश से तो वो हिंदी भी सीख सकते हैं, हिंदी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हिंदी जो है कुछ ऐसी जगह है कि हिंदी को हर जगह दोस्त हिंदी उर्दू को बोला जाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के लोग हर जगह मौजूद हैं, इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोग जानते हैं बोलना, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ, हो सकता है कि जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज लेना हो वो ले सकता है। वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो बोलोगे हुआ यग्राऊ, हुआ यग्राऊ, जब मैंने बोला था कि हुआ करके आता है तो पहले यह लग जाता है, वैसे इकरा बोलते हैं लोग, इकरा 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 का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इकरा नहीं बोलना है, यग्रा बोलना है, हुआ यग्राऊ, हुआ यग्राऊ, ही इज राइडिंग, ही मीन्स हुआ,
यग्रऊ रीडिंग, रीडिंग यग्रऊ, यग्रऊ यग्रऊ, हुआ यग्रऊ, हुआ यग्रऊ, ही इज राइडिंग, ही मीन्स हुआ, यग्रऊ मीन्स रीडिंग, रीडिंग मीन्स यग्रऊ, ही मीन्स यग्र हुआ, हुआ यग्रऊ मीन्स ही इज रीडिंग, यानी वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है तो हुआ यग्रऊ, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, तो बोलो हुआ करात, करात यानी काम ख़त्म हो गया तो लास्ट में ता लगा दिया जाए, करा हो गया पढ़ना और आत लास्ट में लगा दिया ता, करात हुआ यग्रात भी बोल सकते हो, या भी लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, क्यों हुआ यहाँ पे लगा हुआ है, हुआ करात, हुआ करात, ही हैज़ रीड इट या ही रीड इट, ही रीड इट उसने पढ़ लिया, ही मीन्स हुआ, रीड इट मीन्स करात, करात करात रीड इट, रीड इट, हुआ करात, ही हैज़ रीड इट उसने पढ़ लिया, हुआ करात, वो फिल्म देख रहा है, वो फिल्म देख रहा है, ही इज वॉचिंग द फिल्म, ही इज वॉचिंग द फिल्म, तो बोलोगे हुआ युशाहिदुल फिल्म, हुआ युशाहिदुल फिल्म, ही इज वॉचिंग द फिल्म, ही मीन्स हुआ, वॉचिंग मीन्स युशाहिद, युशाहिद, वॉचिंग मीन्स युशाहिद, फिल्म मीन्स फिल्म, ही इज वॉचिंग द फिल्म, तो हुआ युशाहिदुल फिल्म, हुआ युशाहिदुल, ही इज वॉचिंग मीन्स, ही इज वॉचिंग मीन्स हुआ युशाहिदुल, फिल्म मीन्स फिल्म, ही इज वॉचिंग द फिल्म, हुआ युशाहिदुल फिल्म, यानी वो फिल्म देख रहा है, तो बोल हुआ का मतलब होता है वो, युशाहिद का मतलब देख रहा है, फिल्म का मतलब फिल्म, हुआ युशाहिदुल फिल्म वो फिल्म देख रहा है, ठीक है, वो फिल्म देख रहा है, हुआ युशाहिदुल फिल्म, हुआ युशाहिदुल फिल्म, मैं तीन चार पांच बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हर बार समझ में आ जाए, एक बार बोलने से हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, कुछ लोग समझेंगे ज़्यादा बार बोल रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ज़्यादा बार, उसने फिल्म देखा, एक तो बात हो रही थी कि मतलब फिल्म देख रहा है, अब बात हो रही कि उसने फिल्म देखा, तो बोलो हुआ युशाहिदा अल फिल्म, हुआ युशाहिदा अल फिल्म, ठीक है, हुआ युशाहिदल, युशाहिदल फिल्म, हुआ युशाहिदल फिल्म, हुआ नहीं यहाँ पर बात हो रही कि उसने फिल्म देखा, मतलब वो देख रहा था, अब बात हो रही कि उसने फिल्म देखा, उसने फिल्म देखा, तो बोलोगे हुआ शाहदल, शाहदा अल फिल्म, हुआ शाहदा, शाहदा का मतलब वॉच इट, मतलब देख चुका है आदमी, कोई भी चीज़ देख चुका है तो शाहदा बोलोगे, यानी मैं फिल्म देख चुका था, अना शाहदा अल फिल्म, मैं ड्रामा देख चुका था, मतलब काम ख़त्म हो गया है, उसने फिल्म देखा यानी देखा था, तो हुआ शाहदल फिल्म, ही वॉच इट द फिल्म, वॉच इट मीन्स शाहदा, शाहदा वॉच इट मीन्स शाहदा, हुआ मीन्स ही मीन्स हुआ, वॉच इट शाहदा, फिल्म मीन्स फिल्म, शाहदल फिल्म, वो झाड़ू लगा रहा है, हुआ यक निसु, हुआ यक निसु, हुआ जब आता है तो पहले यह लग जाता है, तो यक निसु जाए, अकनिसु बोलते हैं लोग, अकनिसु का मतलब होता है मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, हुआ यकनिसु वो झाड़ू लगा रहा है, ही इज स्वीपिंग, ही इज ब्रूमिंग, ही इज स्वीपिंग, ही मीन्स हुआ, यकनिसु मीन्स स्वीपिंग, स्वीपिंग यकनिसु, यकनिसु वो झाड़ू लगा रहा है, उसने झाड़ू लगाया, उसने झाड़ू लगाया, हुआ कनासा, हुआ कनासा, ही क्लीन इट, ही क्लीन इट, ही हुआ मीन्स ही, क्लीन इट मीन्स कनासा, कनासा, कनासा यानी क्लीन इट, हुआ कनासा, हुआ कनासा यानी उसने झाड़ू लगाया, उसने मीन्स हुआ, झाड़ू लगाया मीन्स क्लीन इट, क्लीन इट, तो हुआ कनासा, ही क्लीन इट उसने झाड़ू लगाया, ठीक है, हुआ कनासा, हुआ कनासा, हुआ मीन्स उसने, कनासा माने झाड़ू लगाया, हुआ कनासा उसने झाड़ू लगाया, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सेंटेंस दोस्तों, तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।